Hello everyone, myself Arpit Mishra, and today uh, once again I have come up with one more uh, aviation video based on mod 7 that is maintenance and practices. And uh, in this aviation video, I will be talking about uh, how lubricant should be selected for bearing, and uh, along with this, uh, we will also see what type of lubricant are available for bearings so guys this video will be the continuation of my previous three videos so please watch uh, those videos too and uh, guys be with me till the end of this video session uh, as i have already mentioned uh, in my previous videos also that i am going to discuss all the important points related to dgca module exam and uh, after watching this video if you face any kind of difficulty or doubt then you can post your query in the comment box uh, so that I can come up with best and correct answers. So guys the topic is bearing and in this bearing topic. I am going to discuss about selection of lubricant. So let us start our topic that is lubricant selection. So in this particular topic, we are going to see that uh, what type of lubricant we are preferring in order to protect our bearing and we are also going to see key which uh, uh, which type of lubricant will be better for that particular time period or the particular operation of that bearing so we need to see how we are going to select the particular lubricant the reason is we have to see the viscosity change with respect to the temperature so we need to bother about the lubricant viscosity also and also the rpm at which the bearing is going to operate so let's start the whatever the points i have mentioned in my slide let's see so first point is saying the selection of particular type of bearing lubricant is generally governed by the operating condition and limitation of the bearing system so operating condition मतलब कितने टेम्परेचर पे वो ऑपरेट होने वाला है और लिमिटेशन मतलब कितने आरपीएम को वो बियर कर सकता है इफ़ यू आर इन गोइंग टू इंक्रीज़ द आरपीएम लिमिट सो मे बी बियरिंग जो है हमारा डैमेज होना शुरू कर दे तो अब यहाँ पे तो हम बात करें लुब्रिकेंट सिलेक्शन की तो गाइस अगर लुब्रिकेंट प्रॉपर्ली काम नहीं किया मतलब ऑपरेटिंग कंडीशन अगर हाई ऑपरेटिंग टेम्परेचर पर मेरा बियरिंग काम करने वाला है और वहाँ पर लुब्रिकेंट हमने कोई यूज़ कर रखा है जो हाई ऑपरेटिंग टेम्परेचर परफॉर्म नहीं कर सकता बेटर तो एनी हाउ एट लास्ट इट इज़ गोइंग टू स्पॉइल अवर

कि वो कितने टाइम तक अपने फ्लो को मेंटेन कर सकता है यानी कि विस्कोसिटी हमारी अगर टेम्परेचर के वैसे तो विस्कोसिटी इज़ डायरेक्टली भी पोषेड टू द टेम्परेचर सो अगर टेम्परेचर के साथ विस्कोसिटी डायरेक्टली चेंज हो रही है तो मतलब हाई टेम्परेचर पर विस्कोसिटी भी चेंज हो जाएगी मतलब हाई हो जाएगी तो वी हैव हाँ टू तो सी दैट कि कैसे ये चेंज होगा तो यानी कि हमारे लिए वन ऑफ द मेजर पॉइंट यही आया कि हमें विस्कोसिटी भी चेक करनी पड़ती है उस लुब्रिकेंट की वो कैसे टेम्परेचर के साथ चेंज कर रही है फिर मैक्सिमम एंड मिनिमम अलाउेबल ऑपरेटिंग टेम्परेचर अब वो जो लुब्रिकेंट आप यूज करने वाले हैं वो बियरिंग के वहाँ पे यानी कि बियरिंग जहाँ पे ऑपरेट हो रहा है वहाँ पे मैक्सिमम ऑपरेटिंग टेम्परेचर क्या है और मिनिमम ऑपरेटिंग टेम्परेचर क्या है ये दोनों टेम्परेचर अपने को पता होना चाहिए देन ओनली वी कैन सेलेक्ट पर्टिकुलर टाइप ऑफ लुब्रिकेंट द रीज़न इज़ अगर हाई टेम्परेचर हुआ तो लुब्रिकेंट एक तरह से बिल्कुल ही फ्लूड बन जाएगा फ्लूड बन जाएगा मेरा कहने का मतलब एकदम पतला हो जाएगा और अगर मिनिमम ऑपरेटिंग टेम्परेचर हमने अपने को देखना है तो वहाँ पे क्या होगा हो सकता है सम टाइम लुब्रिकेंट जो है जम जाए तो जैसे कि फ्यूल का है फ्यूल में भी आप एकदम मिनिमम टेम्परेचर ऑब्जर्व करके चलते हैं तो वहाँ पे फ्यूल जमने के चांसेस ना हो तो हम लोग ये भी देख के चलते हैं कि फ्यूल जमना सेम विद द हमारा लुब्रिकेंट जो कि आप, आप फॉर टाइम बिंग आई कैन से जो हमारा ऑयल है आ, हम ऑयल यूज करते हैं प्रेजेंट डे अपने एयरक्राफ्ट में तो ऑयल एज ए लुब्रिकेंट क्योंकि वह कूलन की तरह भी बिहेव करता है वो भी हम सब सारे पॉइंट्स कवर करके चलेंगे तो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस टू गेट द आइडिया और द ऑफ द मिनिमम एंड मैक्सिमम अलाउबल टेम्परेचर फॉर दैट पर्टिकुलर लुब्रिकेंट सो स्पीड एट विच बियरिंग विल ऑपरेट हमें स्पीड का भी पता होना चाहिए कि कितने स्पीड पर बियरिंग ऑपरेट करने वाला है तो ये तीन फैक्टर है जिनपे हमारा लुब्रिकेंट का सिलेक्शन यानी कि डिपेंड करेगा पहला विस्कोसिटी टेम्परेचर के साथ कैसे वेरी हो रही है यानी कि लुब्रिकेंट की जो विस्कोसिटी है वो टेम्परेचर के साथ कैसे चेंज होगी दूसरा मैक्सिमम और मिनिमम अलावेबल टेम्परेचर क्या है उस जगह पे जहाँ वो बियरिंग यूज़ होने वाला है वहाँ मैक्सिमम और मिनिमम टेम्परेचर कितना रह सकता है और स्पीड जिस पे बियरिंग ऑपरेट होने वाला है गाइस मूव करते हैं अगली स्लाइड पे जहाँ पे बात कर रहे हैं हम ग्रीस कंसिड्रेशन की यानी कि अगर मैंने मतलब मान लीजिए लुब्रिकेंट प्रिफ़र करता हूँ तो मैं बात करूँगा कि ग्रीस यूज़ कर सकता हूँ मैं ऑयल यूज़ कर सकता हूँ और सॉलिड फिल्म टाइप का यूज़ कर सकता हूँ सॉलिड फिल्म टाइप का भी हम देखेंगे उसके भी पॉइंट्स मैंने कवर किए हैं वो जनरली ग्रीस की कैटेगरी में आता है पहले बात करते हैं ग्रीस के कंसिडरेशन की कि अगर मैंने ग्रीस एज ए लुब्रिकेंट प्रेफर किया तो क्या है तो ग्रीस का एडवांटेज क्या था एडवांटेज प्राइमरी एडवांटेज ऑफ ग्रीस ओवर ऑयल इज दैट बियरिंग कैन बी प्री लुब्रिकेटेड एलिमिनेटिंग द नीड फॉर एंड द कॉस्ट ऑफ एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा मतलब एक्सटर्नल लुब्रिकेटिंग सिस्टम तो अगर मैंने ग्रीस की बात करूँ तो ग्रीस का सबसे बड़ा फ़ायदा आप बियरिंग को प्री लुब्रिकेशन कर सकते हैं इसके साथ ही आपको जो एक्स्ट्रा लुब्रिकेटिंग सिस्टम चाहिए फॉर द सप्लाई ऑफ दैट पर्टिकुलर ऑयल वो यहाँ पे बच जाएगा मतलब ऑयल के केस में आपको एक लुब्रिकेटिंग सिस्टम लगाना पड़ेगा एक्सटर्नल सिस्टम जो कि ऑयल को एक टैंक से लेकर सारे पार्ट में फ्लो कराएगा बट इसके केस में क्या रहेगा आप ग्रीस पहले से प्रिय मतलब आप बियरिंग पे लगा के रखेंगे और फिर बियरिंग को इंस्टॉल कर देंगे तो वहाँ पे क्या हुआ आपको जो वापस से लुब्रिकेंट या कंटिन्यूस सप्लाई ऑफ लुब्रिकेंट करना था वो यहाँ पे खत्म हो गया तो कॉस्ट इफेक्टिव हुआ मतलब कॉस्ट इसमें कम लग रही है बिसाइड सिंपलिसिटी ग्रीस लुब्रिकेशन ऑल्सो रिक्वायर लेस मेंटेनेंस एंड हैज़ लेस स्ट्रिंग एंड सीलिंग रिक्वायरमेंट देन ऑयल सिस्टम तो यानी कि अगर मैं बात करूँ ये सिंपल तो है ही मतलब इसके सिंप्लिसिटी के अलावा भी ग्रीस लुब्रिकेशन जो है वो कम मेंटेनेंस रिक्वायर करता है और लेस स्ट्रिंगेंट मतलब जो इसकी सीलिंग रिक्वायरमेंट है वो भी कम रहती है सीलिंग रिक्वायरमेंट से क्या मतलब है अगर ऑयल आप अगर फ्लो मतलब ऑयल आप अगर यूज़ कर रहे हैं तो ऑयल में क्या होगा वो लीक ना हो अगर हाई टेम्परेचर हुआ तो ऑयल फ्लो करके हो सकता है बाहर निकलिया है वो हम लोग अवॉइड करने के लिए सीलेंट का इस्तेमाल करते हैं मतलब हम लोग सील यूज़ करते हैं तो वो सील क्या करती है प्रिवेंट करती है ना तो एक्सटर्नल डट अंदर आ पाए और ना ही हमारा जो ऑयल है वो बाहर जा पाए तो मतलब फ्लो ऑफ ऑयल जो है वो बाहर जा पाए तो वो प्रिवेंट करने के लिए अपने को सील की जरूरत पड़ती है तो उस वजह से हम लोग उसको बचा पा रहे हैं यहाँ पर ग्रीस के केस में ऐसा ज़रूरत नहीं पड़ रहा उसके बाद थर्ड पॉइंट बोलता है ग्रीस टैंड टू रिमेन इन प्रॉक्सिमिटी टू बियरिंग कंपोनेंट मीटरिंग इट्स ऑयल कंटेंट टू ऑपरेटिंग सरफेस एज नीडेड तो ग्रीस का क्या है वो एक तरह से बियरिंग के जितने भी कंपो बियरिंग के कंपोनेंट मतलब आपके रोटेटिंग एलिमेंट है और रेस वे है वहाँ पर एक ऐसी लेयर बना के रखता है जो ऑयल कंटेंट यानी कि उसकी ऑयल प्रॉपर्टी जो है ग्रीस की खुद की वो कंटीन्यूसली सरफेस को प्रोवाइडेड रहती है तो गाइस इस स्लाइड के अंदर आपका पहला पॉइंट मेजर इंपॉर्टेंट है सेकंड पॉइंट पे भी आपको फोकस करके रखना है पहले पॉइंट में ग्रीस के एडवांटेज बताई गई है कि आप प्री लुब्रिकेटेड कर सकते हैं कम पैसा लगेगा क्योंकि कोई एक्सटर्नल लुब्रिकेटिंग सिस्टम नहीं चाहिए दूसरा पॉइंट इसलिए इंपॉर्टेंट है ये सिम्पल होने के साथ साथ ग्रीस में लेस मेंटेनेंस लगता है और आल्सो इसमें सीलिंग की रिक्वायरमेंट कम हो जाती है आप को सीलेंट की जरूरत ज्यादा नहीं पड़ेगी कोई भी सील प्रोवाइड करने के लिए तो क्या आगे बढ़ते हैं अब बात करते हैं इसके नेगेटिव पॉइंट्स की ग्रीस के कुछ डिसएडवांटेज भी है डिसएडवांटेज क्या हो सकते हैं द द नेगेटिव विद ग्रीस आर दैट इट डज नॉट कंडक्ट हीट अवे फ्रॉम बियरिंग एज एफिशेंटली एज ऑयल मतलब ये कंडक्शन प्रोसेस में फेल हो जाता है ग्रीस आपका जितना भी हीट डेवलप हो रहा है बियरिंग के अंदर देखो जहां पे भी बियरिंग लगा होगा वहां पे हीट प्रोडक्शन तो हो गई होगा हीट प्रोडक्शन होगा तो बियरिंग के डैमेज होने के चांसेस भी होते हैं तो हम ऐसा कोशिश करते हैं कोई ना कोई चीज़ जैसे जा कि लुब्रिकेशन जो हम प्रोवाइड कर रहे हैं लुब्रिकेशन लुब्रिकेंट जो है वो कोशिश करें जो हीट प्रोड्यूस हो रही है उसे इजेक्ट भी कर दे बट ये काम ऑयल तो बहुत एफिशेंटली कर सकता है बट ये जो ग्रीस का प्रॉब्लम है ग्रीस हमारा हीट कंडक्शन प्रॉपरली नहीं कर सकता ये एक डिसएडवांटेज हुआ इसका उसके साथ ही ग्रीस कैन इंक्रीज द इनिशियल टॉर्क विद इन द बियरिंग एंड कॉज रनिंग टॉर्क टू बी स्लाइटली हायर मतलब ये इनिशियल टॉर्क बड़ा देता है और अब जब रनिंग टॉर्क भी जो है वो ज़्यादा मिलता है हमें बियरिंग के केस में अगर हम ग्रीस यूज़ कर रहे हैं बियरिंग के अंदर तो ये इनिशियल टॉर्क अपने को बढ़ा के देता है और आपका जो रनिंग टॉर्क है वो बढ़ जाता है इसके केस में फाइनली द स्पीड लिमिट फॉर ग्रीस आर जनरली लोअर देन फॉर ऑयल ड्यू टू द प्लास्टिक नेचर ऑफ द ग्रीस देंट टू कॉज ओवर हीटिंग एट हाई स्पीड मतलब अगर एक बियरिंग पर्टिकुलर आर पी एम पर घूम रहा है और आपने ग्रीस लगा के रखा है और एक बियरिंग आप पर्टिकुलर आर पी एम पर घूम रहा है और उसमें ऑयल यूज कर रहे हो आप तो जो आप ग्रीस वाला मतलब ग्रीस ऐसे लुब्रिकेंट जब बियरिंग में यूज़ करे हो तो वो जो आर होंगे वो कम रहेंगे क्योंकि हाई आर पी ग्रीस की प्लास्टिक नेचर होने की वजह से वो ओवर हीटिंग टेंडेंसी प्रोड्यूस करता है और वंस ओवर हीटिंग टेंडेंसी डेवलप हो गई दोस्तों तो बियरिंग जो है हमारा डैमेज होना शुरू हो जाता है कहीं ना कहीं बियरिंग को प्रॉब्लम होने लग जाएगी क्योंकि लुब्रिकेंट भी अब स्पॉइल हो जाएगा तो यहाँ पर तीनों पॉइंट को मैं बोलूँगा आपको इम्पोर्टेंट याद रखना है तीनों के तीनों पॉइंट ये पहला डिसएडवांटेज ये ये हीट कंडक्शन प्रॉपरली नहीं कर सकता दूसरा इनिशियल टॉर्क बढ़ा देता है उसके बाद जो स्पीड लिमिट है ग्रीस की वो कम है एज़ कम्पेयर टू अगर आप ऑयल यूज़ कर रहे हैं एज ए लुब्रिकेंट तो ये अपने को तीनों पॉइंट ध्यान रखने हैं बात करते ऑयल कंसेंड्रेशन सेकंड लुब्रिकेंट ऑयल कंसट्रेशन देखो सबसे बड़ा फायदा यही है ये सारे पार्ट को लुब्रिकेट करता रहेगा और सबसे बड़ा पा फायदा ये ये एज ए कूलेंट काम करता है मतलब इसका रोटेशन सर्कुलेशन जो है वो कंटिन्यूस होता रहेगा तो क्या करेगा ये पार्ट्स को ठंडा भी करता रहेगा और एज ए लुब्रिकेंट भी काम करता रहेगा तो पहला पॉइंट वाइल ग्रीस लुब्रिकेशन इज इनहेरेंटली सिंपलर देन लुब्रिकेशन विद ऑयल देर आर स्टिल एप्लीकेशन वेयर ऑयल इज़ बेटर जो है जहाँ पर ऑयल हम आज भी प्रीफर करते हैं और मैं तो सच बोलूँ तो कॉमर्शियल एयरक्राफ्ट में हम लोग ऑयल एज ए लुब्रिकेशन यूज़ करते हैं इन हाई स्पीड स्पिंडल एंड टर्बाइन एप्लीकेशन फॉर एग्जाम्पल ऑयल इज़ सप्लाइड कंटिन्यूसली एंड प्रोवाइड कूलिंग एज वेल एज़ लुब्रिकेशन तो आपको ऑयल जो लुब्रिकेशन के साथ साथ कूलिंग इफेक्ट भी प्रोवाइड करता है अ फर्दर एग्जाम्पल इज इंस्ट्रूमेंट बियरिंग विद एक्सट्रीमली लो वैल्यू ऑफ स्टार्टिंग तो यहाँ पे बात कर रहा है लो वैल्यू ऑफ स्टार्टिंग एंड रनिंग टॉर दिस रिक्वायर ओनली मिनिमम मिनिमल वन टाइम लुब्रिकेशन ईच बियरिंग रिसीव जस्ट अ फ्यू मिलीग्राम ऑफ ऑयल अ सिंगल ड्रॉप ऑफ और लेस मतलब ये थर्ड पॉइंट में बात कर रहा इंस्ट्रूमेंट बियरिंग में आप इसको ऑयल को इस्तेमाल करते हैं जहाँ पे कम रिक्वायरमेंट है एज ए लुब्रिकेशन एजेंट की इंस्ट्रूमेंट बियरिंग वो बियरिंग मतलब आपका जहाँ पे प्रशीशन रिक्वायरमेंट होता है हाई प्रशीशन आपको रिक्वायरमेंट है तो वहाँ पे हमारा लुब्रिकेशन थोड़ा कंटिन्यूस होना चाहिए प्रॉपर होना चाहिए तो वहाँ पे ऑयल इफेक्टिवली काम करता है तो मैं कह सकता हूँ दो एडवांटेज मतलब दो चीज़ें हमने देखी जहाँ पे ऑयल यूज़ कर रहे जैसे कि गैस्ट्रोबाइन इंजन वहाँ पे मतलब तो शाफ्ट में जहाँ पे बियरिंग लगी हुई हो होगी वहाँ पे हम लोग इसका ऑयल का यूज़ कर रहे हैं और दूसरा मैं बोलूँगा इंस्ट्रूमेंट बियरिंग पे इंस्ट्रूमेंट बियरिंग जैसे अल्टीमीटर ऐसे इंस्ट्रूमेंट है वहाँ पे हम लोग इंस्ट्रूमेंट बियरिंग का इस्तेमाल करते हैं तो वहाँ पे कंटिन्यूस लुब्रिकेशन के लिए वी कैन प्रीफर ऑयल एज ए लुब्रिकेंट एजेंट तो गाइस इस स्लाइड में आई विल सजेस्ट यू कि आपको ये जो कूलेंट वाला पॉइंट है ये आपको याद रखना है कि ऑयल जो है हमारा एज ए कूलेंट भी काम करता है आगे बढ़ते हैं हम लोग अपने अगले टॉपिक की तरफ दैट इज सॉलिड सॉफ्ट फिल्म लुब्रिकेंट ये थर्ड कैटेगरी आता है लुब्रिकेंट के अंदर जो कि ग्रीस की कैटेगरी में आता है सेमी सॉलिड टाइप है तो सॉलिड सॉफ्ट फिल्म आर प्राइमरी यूज टू प्रोवाइड सॉलिड लुब्रिकेशन फॉर बियरिंग इन एक्सट्रीम एप्लीकेशन वेयर ट्रेडिशनल फ्लूड लुब्रिकेंट वुड बी रेंडर्ड तो यहाँ पे ये बोल रहा है जहाँ पे आपके ट्रेडिशनल फ्लूड जैसे कि ग्रीस और ऑयल जब ये इफेक्टिवली काम नहीं करेंगे तो अपन इसकी बात करेंगे सॉलिड सॉफ्ट फिल्म लुब्रिकेंट वहां पे प्रेफर किया जाएगा जहाँ पे ग्रीस और ऑयल इफेक्टिवली काम नहीं कर सकते इसमें फायदा दे ऑफर द एडवांटेज दैट देयर फ्रिक्शन इज इंडिपेंडेंट ऑफ टेम्परेचर तो यहाँ पर टेम्परेचर से इतना इशू नहीं है एंड दे डू नॉट एवापोरेट और क्रीप इंटरेस्ट्रियल वैक्यूम और स्पेस एनवायरमेंट ये एवापोरेट भी नहीं होते तो जो प्रॉब्लम हमें ग्रीस या ऑयल में कहीं ना कहीं देखने को मिल सकती है वो हमारी अवॉइड हो जाएगी सॉलिड सॉफ्ट फिल्म लुब्रिकेंट में पहली चीज़ ये इसका जो फ्रिक्शन के टेंडेंसी है जो फ्रिक्शन ये हम जो भी लुब्रिकेंट यूज़ कर रहे हैं हमारे बेयरिंग का काम है फ्रिक्शन को मिनिमाइज़ करना तो ये भी वहाँ पर सपोर्ट कर रहे हैं तो अब ये फ़्रिक्शन जो है इसका टेम्परेचर पर डिपेंड नहीं है टेम्परेचर का मतलब क्या है दोस्तों अगर हाई टेम्परेचर होता जाएगा तो ओवर हीटिंग वाली टेंडेंसी आएगी और ओवर हीटिंग टेंडेंसी आए मतलब क्या होगा हमारा बेयरिंग डैमेज हो जाएगा तो अपन ऐसा लुब्रिकेंट यूज़ कर रहे हैं जो अपने को फ्रिक्शन पे तो इंड मतलब फ्रिक्शन जो ये प्रोवाइड कर रहा है या फ्रिक्शन को मिनिमाइज़ करने में जो सपोर्ट कर रहा है वो टेम्परेचर पे तो इंडिपेंडेंट हो गया मतलब आप टेम्परेचर बढ़ा रहे हो तो इसमें प्रॉब्लम नहीं आएगी कि जो ओवर वाला प्रॉब्लम हो सकता था वो इसमें नहीं देखने को मिलेगा ऑल्सो ये एवोपोरेट नहीं होगा क्रीप मतलब स्लो डिफॉर्मेशन विद रेस्पेक्ट टू हाईक इन टेम्परेचर मतलब थोड़ा मतलब बहुत धीरे धीरे से डिफॉर्मेशन आएगा और राइज होता रहेगा टेम्परेचर तो वो क्रीप वाली प्रॉपर्टी भी इसमें अपने को देखने को नहीं मिलेगी तो मैं कह सकता हूँ ये इसका एडवांटेज हुआ अपने को ये एडवांटेज पता होना चाहिए दोस्तों कि ये फ्रिक्शन जो है इसमें वो इंडिपेंडेंट है आपका टेम्परेचर पर और दूसरा आप ये इवापोरेट नहीं होता इजीली मतलब ये इवापोरेट भी नहीं होगा आगे बढ़ते हैं हम लोग अगले पॉइंट की तरफ तो अगला पॉइंट द सॉलिड फिल्म लुब्रिकेंट कैन बी ई कैन इधर भी अप्लाई डायरेक्टली टू द सर्फेस और ट्रांसफर्ड बाय रबिंग कॉन्टैक्ट फ्रॉम अ सेक्रीफिशियल सोर्स सच ए सेल्फ लुब्रिकेटिंग बियरिंग केज जैसे कि सेल्फ लुब्रिकेटिंग बियरिंग केज में रहता है वैसे ही हम इस लेयर को अप्लाई कर सकते हैं ताकि ये डायरेक्टली सप्लाई देखो दो तरीके जैसे ग्रीस एप अप्लाई कर रहे हो वैसे भी आप इसको इस्तेमाल कर सकते हो या फिर जो रबिंग कॉन्टैक्ट मतलब कंटिन्यूस रोटेशन में आ रहा है आप सेल्फ लुब्रिकेटिंग बियरिंग केच में भी आप इसको इम्प्लीमेंट कर सकते हो तो ये वहाँ पर खुद ही पोजिशन लेता जाएगा देन द प्रोसेस हैव बीन यूज सक्सेसफुल इन राइटी ऑफ एक्सट्रीम एरोस एप्लीकेशन तो आई कैन से सच टाइप ऑफ लुब्रिकेंट एज एंड वी आर प्रिफरिंग इन एविएशन इंडस्ट्री ऑल्सो तो गाइज इन दिस वीडियो दिस मच फ्रॉम माई साइड आई एम होपिंग दैट आपको थोड़ा थोड़ा सा ये समझ में आया होगा मैंने आज ग्रीस के बारे में बात किया ऑयल के बारे में बात किया और सॉलिड सॉलिड सॉफ्ट फिल्म लुब्रिकेंट के बारे में बात किया इसलिए हमने और ये भी देखा हमने जो लुब्रिकेंट है वो हमारा किस किस चीज़ पर बेस्ड है हम लोग क्या क्या चीज़ देख के चल रहे हैं और सिलेक्ट कर रहे हैं तो हमने बात की विस्कोसिटी का वेरिएशन विद टेम्परेचर देखा हमने स्पीड भी देखी बियरिंग की कि बियरिंग की स्पीड कैसी है कि ऐसे हमने कुछ पॉइंट्स देखे जो हमारे बियरिंग के सिलेक्शन में यानी कि मैक्सिमम और मिनिमम टेम्परेचर भी देखा हमने ऑपरेटिंग टेम्परेचर कितना उसके हिसाब से हम लुब्रिकेंट का सिलेक्शन कर रहे हैं फिर हमने एडवांटेज भी देख लिया ग्रीस के डिसएडवांटेज भी देख लिए ऑयल का फ़ायदा देख लिया हमने बट नुकसान क्या है ऑयल का ऑयल में देखो एक एक्स्ट्रा आपको सिस्टम लगाना पड़ेगा तो मतलब थोड़ा कॉस्टली पड़ेगा प्रेजेंट डे के टाइम में जैसे ड्राई सम लुब्रिकेशन सिस्टम यूज किया जाता है तो उसमें कंटीन्य ऑयल की सप्लाई करते हैं आप तो ऑब्वियसली जब सिस्टम इतना बड़ा है कंटीनियस ऑयल की सप्लाई दे रहा है तो ऑब्वियसली वो थोड़ा कॉस्ट भी लगाएगा बाकी थर्ड आपका सॉलिड फिल्म लुब्रिकेंट हो गया इसका फायदा यह एवोपोरेट नहीं होगा ये और आपको क्रीप वाली प्रॉब्लम भी ये नहीं दिखाएगा तो ये भी एक बेहतर लुब्रिकेंट है तो गाइज दिस मच फ्रॉम माई साइड और मैं अपने अगले वीडियो के साथ जल्दी ही आपके सामने आऊँगा